भाई साहब, हमारे लेफ्ट साइड देखो कितनी बड़ी बड़ी खाई है, और ये बिल्कुल ही सिंगल रास्ता है, बिल्कुल ही। अगर सामने अगर कोई गाड़ी आ जाती है लास्ट विलेज का ये होम स्टे था, इसे आप होम स्टे कर सकते हैं रात का हमारा। और यहाँ से हम सामान अपना उठाएंगे, बाहर चलेंगे अपने गाड़ी के। ये रहा हमारा होटल, होटल नहीं, ये गांव में ही हमने होम स्टे लिया था, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज था। और ये देखो क्या ही सीन है, चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ की चादर ढकी हुई है, चारों तरफ बर्फ की चादर ढकी हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारी गाड़ी, और वो रही हमारी गाड़ी, गाड़ी के ऊपर भी बर्फ बर्फ है, चारों तरफ देखिए बर्फ बर्फ है। ओ भाई साहब, ये देखो पूरा बर्फ बर्फ बर्फ, गाड़ी पे बर्फ जमा हुआ है। हार्ड वाले गाड़ी के छत पे देखो, गाड़ी के साइड पे देखो, पूरा बर्फ है। अभी इस बर्फ को हम, ये हार्ड हो गया सब। ओ भाई साहब, ये रही हमारी गाड़ी, हिमाचल की हमारी पहली बर्फबारी हमें देखने को मिल गई, मजा आ गया। ये रहा लोग, चलिए तो इसे हम साफ करेंगे अभी, और फिर यहाँ से हम निकलेंगे सीधा सांगला के लिए, मतलब सांगला वापस जाएंगे और वहाँ से निकलेंगे स्पीति के लिए। और बाकी लोग अभी रूम में ही है, बड़ा आपको चादर कभी हटाने वाले हैं, देखिए पूरा। तो दोस्तों अभी हम जहाँ हैं, ये विलेज है इंडिया का लास्ट विलेज। और इस विलेज में देखो क्या है, सभी घर कितने खूबसूरत लग रहा है, सभी के ऊपर बर्फ़ से चादर जमी हुई है, और चारों तरफ पहाड़ के पहाड़ों से घिरे हुए हैं। अगर आप इधर देखेंगे, इधर भी पहाड़ से मतलब घिरे हुए हैं, इधर ही पहाड़ है, इधर ही पहाड़, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ ये विलेज इंडिया का लास्ट विलेज है। और इस विलेज में घूम रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस भी, यहाँ पर सामने जो देख रहे हैं ये अभी बंद है, जो कि इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस है। मैं भी यही हो सकता है, क्योंकि मुझे यही लग रहा है, लेकिन बोर्ड तो यहाँ लगा नहीं है। दिस इज़ द विलेज, ब्यूटिफुल विलेज। क्या मजा,
शांति अगर चाहिए तो शांति तो इन्हीं पहाड़ों में मिलेगी। घरों पे बर्फ के चादर जमे हुए यार घरों पे। और एक बार आपको बता दूं कि इस पूरे गांव में मात्र 150 लोग रहते हैं, 150 के आसपास। पूरे इस गांव में 150 की आबादी है। हमारे इंडिया का लास्ट गांव है जिसका नाम चितकुल विलेज है। देखिए चारों तरफ बर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो ये हीरा भैया हमारे बर्फ को तोड़ते हुए पैरों से, ये बर्फ को छूते हुए, और ये बर्फ काफी हार्ड हो गया है। हाथ एकदम जम चुका है ठंड के कारण। मजा आ रहा है। या चलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधा, क्योंकि हमें वापस जाना है सांगला की ओर, क्योंकि हमें जल्दी निकलेंगे क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक ना मिले रास्ते में। अभी तो सुबह सुबह ये देखो घर से सारे बर्फ गिर रहे हैं। या सुनो फॉलो रहा है, उधर भी बर्फ गिर रहा है, सारे करकटों से बर्फ गिर रहा है। और ये छत देखो, छत पे बर्फ बर्फ है। अब हम निकल रहे हैं काजा के लिए। काजा जाने से पहले हमें अभी यहाँ से 42 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, जो कि था करछम डैम, और करछम से वापस हमें वहाँ के लिए काजा के लिए जाना होगा। तो चलिए चलते हैं पहले हम करछम डैम, और वहाँ से फिर हम निकलेंगे काजा के लिए। जब तक आप ये रास्ते का भी इंजॉय करो। रात में तो काफ़ी स्नोफॉल हुए थे यहाँ पे, और हमारी पूरी गाड़ी पे भी अभी अभी स्नो ऊपर पड़ा पड़ा है। जैसे जैसे गाड़ी चल रही है बर्फ़ पिघल कर हमारे तो बर्फ़ गाड़ी के साइड साइड पानी बनकर शीशे पे आ रहा है। तो चलिए रास्ते का इंजॉय करो आप लोग, मिलते हूँ आगे। भाई साहब हमारे लेफ्ट साइड देखो कितनी बड़ी बड़ी खाई है, और ये बिल्कुल ही सिंगल रास्ता है बिल्कुल ही। अगर सामने अगर कोई गाड़ी आ जाती है तो काफ़ी बहुत दिक्कत होता है एक दूसरे को पास लेने में, कोई जगह देखकर ही एक दूसरे को पास दिया जाता है। क्योंकि ये बिल्कुल सिंगल रास्ता है, सांगला चितकुल का रास्ता मात्र 42 किलोमीटर तो है ही, ऊपर से ख़राब भी उतना ही ज़्यादा है, ऑफ रोड भी उतना ही है, और ऊपर से सिंगल है। तो भाई साहब इस रास्ते पर आ रहे हो तो काफ़ी मुश्किल है संभल कर आना। ऊपर से लैंडस्लाइड वाला पूरा एरिया है, और ऊपर से आपको हमारे साइड देखो कितनी लंबी बड़ी बड़ी खाई आपको दिख रही होगी हमारे साइड में। सो रिस्की यार। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं काजा के लिए। अभी काफ़ी तो लेट हो चुका है, अभी सुबह के भी 7 बजने वाले हैं, और अभी हम चितकुल वाले रास्ते में, और अभी निकलना है अभी काजा के लिए। तो चलो देखते हैं कितना समय लगता है। अभी तो हमें वापस जाना होगा, मिलता हूँ सीधा आपसे काजा में और रास्ते में।